एक प्रोजेक्ट जो कि नदी के बीच में से गुजर रहा है, कंक्रीट का जंगल, ये फैलाते फैलाते यहाँ पर एक गाना जो शुरू में परफॉर्म हुआ। समंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, सीन फ्रोजन बन रहा है। उसमें कोल के खिलाफ भी डिमांड हुई है, उसमें हमने ये भी कहा है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और मल्टी लेवल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनको भी रिस्ट्रक्चर किया जाए जो कि क्लाइमेट रियलिटीज को जहन में रखे। हमारी ये भी डिमांड है कि मलिर एक्सप्रेस को फौरी रोका जाए। अभी ये बात शुरू हुई है, मैं दावा दूंगा स्टूडेंट्स को कि इस पर थीसिस भी लिखें। अगले 1000 थीसिस अगले 10 सालों तक सिर्फ माहौलियात के ऊपर अगर हो जाए तो वो भी कम होंगे। औरत के ऊपर, ख्वाजा सरा के ऊपर, बच्चों के ऊपर, उनके रोज़गार पे, उनकी तालीम पे सबसे गहरा असर हुआ है। सबसे ज़्यादा बर्बादी, तबाही उन्होंने फेस की है। लेकिन इसका हल क्या है? जो क्लाइमेट को तबाह कर रहे हैं, माहौल को तबाह कर रहे हैं, चाहे वो बैंक्स हों, बिजनेसेस हों, चाहे वो बिल्डर्स हों, हम उनके खिलाफ ना सिर्फ सियासी इकदाम लें लेकिन कवानीन और कोर्टों के अंदर जाकर कानूनी इकदाम। हमारे दो मुतालबात हैं सन मूर्त मार्च की तरफ से, क्लाइमेट मार्च की तरफ से, वो ये पॉलिसीज जो आप बनाएं उनको इम्प्लीमेंट करें। दूसरी बात ये कि जो ख्वाजा सराओं का नुकसान हुआ है सैलाब के नतीजे में, उस नुकसान की भरपाई करें, हमारे घर वापस तामीर करें। तीसरी बात ये कि हमारी रिहेबिलिटेशन में जो है वो ख्वाजा सराओं की जो जबरी बेदखली हुई है वो उस सिलसिले में हमारे जख्मों का मदावा करें। क्या चाहते हो?